हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 से संबंधित एक बहुत ही बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। और ये आपका जो है, ये एक बहुत बड़ा विवाद था जो कि आपका जब जूनियर शिक्षक भर्ती का जब फॉर्म आया था तो उसमें सबसे बड़ा जो विवाद था वो था आपका स्नातक में 50% वाला मामला। ठीक है, इसमें यह था कि बीएड जो लोग करे हैं और स्नातक में 50% नहीं है तो वो लोग उसमें फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, जबकि काफ़ी लोगों ने फॉर्म भर दिया था और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने ये भी एक नोटिस जारी की थी कि जिनका 50% से कम है उनका फॉर्म निरस्त कर दिया जाए। ठीक है, तो ऐसे में ये लोग काफ़ी परेशान थे, जबकि अगर 50% कम स्नातक में थे तो पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर अगर उनका बीएड कंप्लीट करवाया गया है तो फिर उनको इसमें देना भी चाहिए। ये रूल के हिसाब से ये होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर बीएड करवाने का मतलब ही क्या। ठीक है, तो इसी से संबंधित आज की वीडियो में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे लिखा है क्या फिर से आवेदन लिए जाएंगे, यहाँ पर तो पूरी हम लोग जानकारी देखेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीएड में ये अभी मामला तो आप लोग जानते ही हैं कि इसमें क्या था। तो यहाँ पर देखिए, जब ये सब चीज़ें चल रही थी उसी समय छात्रों की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी और छात्रों की तरफ से जो NCTE की तरफ से जो आदेश जारी किया गया था उसको भी उसमें मतलब कोर्ट में लगाया गया था, जिसमें NCTE ने 50% की अनिवार्यता खत्म कर दी थी। ठीक है, तो उसको भी वहाँ पे लगाया गया था। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने एक मतलब सरकार से जवाब मांगा था कि इन छात्रों को क्यों इसमें भर्ती में क्यों नहीं मतलब फॉर्म भरने दिया जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद कोरोना की लहर आ गई और कोर्ट सारे बंद हो गए। ठीक है, कोर्ट सारे बंद हो गए थे तो इसीलिए सरकार का जो जवाब था वो नहीं हो मतलब हो नहीं पाया था। ठीक है, तो अब इसकी जो अगली सुनवाई है वो 6 जुलाई को है। ठीक है, मतलब परसों है, आपकी परसों है, मंगलवार को। ठीक है, परसों इसकी होगी सुनवाई होगी और उसमें सरकार की तरफ से जवाब मांगा जाएगा, सरकार अपना जवाब देगी और फिर उसके ऊपर देखिए क्या बात आगे चलती है। और ये मामला बहुत जल्दी इसको कंप्लीट कराया जाएगा क्योंकि इनको शिक्षक भर्ती भी, जूनियर शिक्षक भर्ती भी बहुत जल्दी करवानी है। ठीक है, और उम्मीद यही है कि इन छात्रों को शायद जीत मिलेगी, क्योंकि अगर सीधी सी बात है, अगर उनको बीएड करवाया गया, बीएड के लिए मान्य कर दिया गया था, अगर बीएड करवाया गया है तो उनको मतलब शिक्षक भर्ती में यहाँ पे उनको मौका मिलना भी चाहिए। ठीक है, मेरा तो यही मानना है, क्योंकि फालतू में 2-3 लाख रुपए खर्च करके और फिर ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ तो इन लोगों के लिए शायद फिर से आवेदन के लिए मतलब मौका दिया जाएगा, क्योंकि अब तो आवेदन हो चुके हैं तो इन लोगों के लिए शायद मौका दिया जाएगा। हो सकता है 5-7 दिन के लिए ही दिया जाए, अगर ये लोग मतलब ये जो कोर्ट में जो मामला है, अगर इसको जीत जाते हैं, इस केस को अगर ये लोग जीत जाते हैं तो इनको मौका जरूर दिया जाएगा। ठीक है, और जैसा भी होगा परसों इसकी सुनवाई है, तो जैसी भी इसकी खबर निकल के सामने आएगी आप लोगों के अपने माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर मतलब प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, कि बता दिया जाएगा कि क्या आपका मतलब कोर्ट का अपडेट क्या रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।